Hello students, welcome back. We are here with 2018 set A. आज हम 2018 set A हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. हरियाणा बोर्ड. All these questions, you know, are from second unit solution. The first question is give two applications of Haryana law. हेनरी ला की दो एप्लीकेशन आपको बतानी है. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. पहले वाली वीडियोज़ में भी मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है, तो इसको हम छोड़ देते हैं. तो ये रिपीटेड है, इट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सेकेंड वन इज न्यूमेरिकल. 4.0 ग्राम ऑफ अन्य ओएच, यानी 4.0 ग्राम अन्य ओएच डिजोल्व किया गया है 500 ml ऑफ सोल्यूशन में. आपको मोलरिटी फाइंड आउट करनी है. चलिए मोलरिटी निकालते हैं. यहां पे हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वेट ऑफ सोल्यूट कितना, 4.0 ग्राम. हमें गिवन है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 500 ml. मोलर मास की हमें नीड होगी, मोलर मास ऑफ सोल्यूट की. और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है अन्य ओएच, अन्य ओएच का हुआ हमारे पास 23 + 16 + 1 एंड इट विल बी 23, 16, 1. इट विल बी व्हाट, 40 ग्राम पर मोल. हम मोलरिटी निकालते हैं. मोलरिटी का फार्मूला आपको पता है, WB/mB, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, किसमें, ml में. इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं. WB की वैल्यू हमारे पास है 4 ग्राम, मोलर मास हमारे पास 40 है, 1000 एंड इट्स 500, 4 × 10 = 40 एंड इट्स 2 × 2 एंड वी हैव 0.2 ml. ये हमारी मोलरिटी निकल गई. तो ये भी हमारे पास दो नंबर का क्वेश्चन था, ये भी दो नंबर का. टोटल 4 मार्क्स का 2018 में लास्ट ईयर में पूछा गया था. अब सेट बी की तरफ हम मूव करते हैं. सेट बी में भी ऐसे ही 2 मार्क्स का ये वाला था और 2 मार्क्स का ये. तो इसमें एक्चुअली जो सेकंड क्वेश्चन है वो थ्योरी बेसिस है. हेनरी ला और रॉबर्ट्स ला को आपको स्टेटमेंट देनी है, इसकी डिफाइन करना है. तो हेनरी ला आपको पता है, हेनरी ला क्या होता है? तो हेनरी ला की दो डेफिनेशंस होती हैं. द फर्स्ट वन इज मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए गैस. नहीं, कोई भी गैस है उसकी मास डिजोल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, यानी कितनी गैस घुलेगी किसी लिक्विड के अंदर, कितनी गैस डिजोल्व होगी वो डिपेंड करती है उसमें कितना प्रेशर लगाया गया. फर्स्ट वन, यानी हम इसमें अगर देखें तो मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और m बराबर क्या हो गया, KHP. ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन बनती है. सेकेंड डेफिनेशन ये है कि मान लीजिएगा एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्ड है. अब उस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच गैस इज कंटेंट इन दैट, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस. यानी हम लिख सकते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, सपोज हम CO2 की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 एंड इट विल बी व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, CO2. तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट हो गई. रॉबर्ट्स ला, रॉबर्ट्स ला क्या होता है? रॉबर्ट्स ला में मान लीजिए मेरे पास कोई भी लिक्विड है और इसमें ए और बी दो कंपोनेंट है. सपोज दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, एक वाटर है एक इथेनॉल है. तो पार्शियल प्रेशर, यानी हमने इसको हीट किया, इसको हीट करने से इसके भी वेपर बनेंगे, इसके भी वेपर बनेंगे. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे इसके चाहे इसके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मान लीजिए इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट PA, इसका पार्शियल प्रेशर क्या बना, PB. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट XB. और इस ये हो जाएगा PA इक्वल टू PA XA एंड इट विल बी PB बराबर PB XA.
बी। तो ये हमारे पास क्या है, रॉबर्ट्स लॉ है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। इसमें कहा है 5.6 ग्राम ऑफ के ओ एच यानी सोल्यूट डिजोल्व किया गया है 500 ml में। आपको क्या निकालनी है, मोलेरिटी। बिल्कुल एज इट इज न्यूमेरिकल है, इसमें चेंज क्या करना है आपको, 5.6 ये 5.6 हो गया आपका, वॉल्यूम उतना ही है, मोलर मास आपको निकालना है। तो मोलर मास के ओ एच का निकालेंगे हम, तो के ओ एच का मोलर मास कितना आएगा, 29 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस क्या हो जाएगा 1, अब ये कितना हो गया 40 और 56। तो मोलरिटी मैं डायरेक्ट अगर निकालूं तो मोलरिटी बराबर क्या होगा हमारे पास, यहां ले लेते हैं हम, मोलरिटी बराबर होगा वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 5.6, मोलर मास 56, 1000 और अपॉन में 500। ये हो जाएगा, यहां इसके लिए हम डेसिमल के लिए यहां जीरो लगा सकते हैं, ये कैंसिल हो गया और 1 बाई 5 एम। तो ये हमारे पास 2018 में सेट ए और सेट बी में हरियाणा बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हम डिस्कस करेंगे सेट सी और सेट डी के बारे में। सेट सी में कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH मिथेनॉल इन सॉल्यूशन कंटेन्स 30% बाई मास इन वाटर, यानी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है और 30% यानी मास परसेंट आपको गिवन है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे न्यूमेरिकल को। एक्चुअली 30% बाई मास का मतलब क्या है ये आपको पहले समझना होगा। 30% बाई मास का मतलब है 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट दैट इज CH3OH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये हमने बाई डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन ऑफ मास परसेंट। मास परसेंट की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी 30 ग्राम मिथेनॉल इन 100 ग्राम। यानी यहां से बेसिक सी बात ये हुई कि जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो हमारे पास 30 ग्राम हुआ, वेट ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 ग्राम हुआ, तो वेट ऑफ सोलवेंट क्या हुआ हमारे पास 70 ग्राम। ओके, अभी हम निकालते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास ऑफ व्हाट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर मास सोल्यूट हमारे पास CH3OH है, तो इसका मोलिकुलर मास कितना हुआ हमारे पास 12 प्लस हाइड्रोजन के 3 हो गए, इसका 16 और प्लस 1, तो ये हमारे पास हुआ 12 प्लस 3 15 और 16 और ये हो गया हमारे पास 32 ग्राम पर मोल। डब्ल्यू ए, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन का जो वेट है उसकी कोई नीड नहीं है, डब्ल्यू ए हेयर इज यू कैन से वाटर इज सॉल्वेंट। तो हमारे पास जो डब्ल्यू ए यानी एम ए जो निकालेंगे हम वो होगा 18 ग्राम। 18 ग्राम कहाँ से आया, वाटर का मोलिकुलर मास। अभी हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, दैट इज डब्ल्यू बी हमारे पास 30 है, एम बी हमारे पास 32 है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं एन ए, 70 अपॉन 18 यानी डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो वी हैव हेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, यानी हमें बेसिकली निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इनकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे यहाँ से एंड इट विल बी कैलकुलेटेड। द सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन मोलैलिटी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सोलवेंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पहले भी डिस्कस किया है, द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी एग्जर्टेड ऑन सोल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल फ्रॉम सोलवेंट साइड टू सोल्यूशन साइड। इसको हम डिटेल में पहले वाली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब 2018 डी सेट में फर्स्ट क्वेश्चन वाज वन टॉप फैक्टर को डिफाइन करना है। अभी वन टॉप फैक्टर क्या होता है, अब आपने पढ़ा होगा आई जो है ये वन टॉप फैक्टर होता है, आई क्या होता है वन टॉप फैक्टर।
यहाँ लिख लेते हैं हम आई। तो आई क्या होता है, बेसिकली एम सी अपॉन एम ओ। एक तो डेफिनेशन ये बनती है, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड मोलर मास टू ऑब्जर्व मोलर मास। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ, यानी वन टॉप फैक्टर की डेफिनेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलेलिटी की हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। आइसोटोनिक सोल्यूशन आर द सोल्यूशंस दैट हैव, इट्स ऑप्शनल क्वेश्चन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होगा, जब कंसंट्रेशन सेम होती है। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशंस आर द सोल्यूशंस दैट हैव सेम। अभी देखिए आइसोटोनिक सोल्यूशन में बेसिक से अगर बात करें हम, तो वेपर प्रेशर सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए P1 और P2। ये मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका P1 वेपर प्रेशर है, एक दूसरा सॉल्यूशन है इसका P2 वेपर प्रेशर नहीं एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर P1 है, इसका P2 है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, आइसोटोनिक। और आपको ये भी पता है जो P1 है वो होता है हमारे पास C1RT और P2 क्या होता है C2RT। अभी अगर हम देखें बात करें यहाँ पे, R तो दोनों में सेम रहेगा और टेम्परेचर भी अगर दोनों में सेम है तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। तो हम ये लिख सकते हैं भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है कब होते हैं, जब उनमें सेम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी ये तो हो ही नहीं सकते, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर इसमें ये भी नहीं होता तो ये होता, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन सेम होती है, कंसंट्रेशन और एक्चुअली टेम्परेचर। जब कंसंट्रेशन और टेम्परेचर दोनों सेम हो जाते हैं तो वो क्या होंगे, दैट विल हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि कंसंट्रेशन सेम है लेकिन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो उस रिगार्डिंग में ये मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, लेकिन यूजुअली टू सॉल्यूशंस ऑलवेज आर टेकन एट सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। मोलैलिटी ऑफ द प्योर वाटर इज, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर क्या होता है, 55.5। तो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन। इसके बाद द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियोज़।